उस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रट्रेट में इस्टेबलमेंट डिवीज़न की जानब से एक समरी भिजवाई गई है ये समरी जो है ख़ुद डी जी एफ आई ए आई जी पंजाब आई जी खैबर पखतूनख्वा आई जी इस्लामाबाद और आई जी गिलगित बल्तिस्तान के ट्रांसफ़र से मुतल है किसको कहाँ भेजा जा रहा है इसके बारे में मालूम नहीं हो सका लेकिन ये समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट पहुंच चुकी है किसी भी वक्त जो है कहते हैं कि गौरव के बाद इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है इसके अलावा जो है मुल्क में जो है इस वक्त एक वक्ला की जानब से किसी बहुत बड़े एजिटेशन शुरू किए जाने की जो है वो इतला खुफिया एजेंसीों की जानब से जो है हुकूमत को भिजवाए जाने की भी इतला मिली है जिसके नतीजे में जो है सबका वज़ी अजम नवाज़ शरीफ का जो लंदन का दौरा था उससे मुआहर कर दिया गया है ताकि वो इस वकला की तहरीक को सबोताज करने में जो है मुबैना तौर पर अपने सबका ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक अपना किरदार अदा कर सके। इसके अलावा जो है कराची में खुद कुरंगी के एसएसपी एस पी की लाइन हाजिरी के बाद जो है अब तगड़े कस्म के एस एस पीज ने जो है राग दौड़ शुरू कर दी ये हमारे आज के मौजूद हैं इस पर हल्की पुल्की रोशनी डालेंगे राजूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम दवामी शो एक नए अंदाज़ में इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूस क्यामत गुल ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पुलिस ग्रुप की तारीख में शायद पहली मरतबा ऐसा नज़र आ रहा है कि कराच पाकिस्तान के चारों सूबों में जो है इस वक्त मुकामी डोमिसल रखने वाले अफसरान जो हैं वो आई जी केस से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं खैबर पखतूनख्वा में अख्तर हयात गंडापुर ख़ुद खैबर पखतुनख्वा के हैं वहीं के आई जी हैं इसी तरीके से बलोचिस्तान के जो आई जी हैं मज़्म जहाँ अंसारी खुद बलोचिस्तान के हैं कोटा के रहने वाले हैं वहीं का उनके पास डू मिसाइल है वो आई जी बलोचिस्तान है यही हाल जो है पंजाब के ऊस्मान अनवर आई जी हैं उनका तल्लक भी पंजाब से है यही हाल जो है सिंध के आई जी गुलाम नबी मैमन जो है उनका ताल्लुक भी बदीन से है तो वो भी डोमिसाइल हैं तो उनकी वो भी इस वक्त आई जी सिंध है तो ये पहली मरतबा एक ख़ूबसूरत गुलदस्ता हमें नज़र आ रहा है लेकिन ये गुलदस्ता ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा अब इसके बिखरने का वक्त आ चुका है ये क्यों वक्त में आ चुका है मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो समरी जो भिजवाई गई है ख़ुद स्टूडेंट डिवीज़न की जानब से प्राइम मिनिस्टर सेक्रट्रेट को उसमें जो है ख़ुद डी जी एफ आई ए को तब्दील किया जा रहा है कौन खुश नसीब आ रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता कुछ नाम लिए जा रहे हैं खुद इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी जो है इंटीरियर जो है सबका आई जी से रिफ्त मुख्तार राजा का नाम दिया जा रहा है कि उन्हें जो है हो सकता है कि बनाया जाए कुछ नाम आ रहे हैं अब्दुल खालिक शेख का भी नाम आ रहा है कुछ और नाम भी आ रहे हैं जिसमें सबसे बढ़कर जो है खुद अमीर शेख का भी है अब लेकिन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये बंद लिफाफा है इसी तरीके से जो है ख़ैब पख्तूनख्वा के आई जी अख्तर आयत गपूर को जो है वो तब्दील किया जा रहा है उन पर पी टी आई का छाप है लेकिन अब जो इतला मिली है कि वक्त जो है खुद उनका झुकाव मौलाना फजल राहमान और उनके बाइक की जानेब कुछ ज़्यादा हो गया है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर जो ये नोटिफिकेशन कापी आप देख रहे हैं ये कापी इस बात का सबूत है कि ये जो मेंबर शामिल किए गए एक कमेटी जो बनाई गई है ये कहते हैं कि खुद मौलाना फजल रहमान की मुशावरत से ही बनाई गई है इस तरीके से ओस्मान अनवर जो आई जी पंजाब है उन्हें तब्दील किया जा रहा है गिल्ग बल्तिस्तान के आई जी की भी तब्दीली है और सबसे बढ़कर जो है खुद सिंध के आई जी गुलाम नबी मेमन की तब्दीली के लिए भी जो है सिंध में जो है पीपल्स पार्टी के हाई कमान में इस वक्त कहते हैं कि मुशावरत का सिलसिला जारी है कौन बनने जाएगा आई जी सिंध ये भी कुछ अभी फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता है सारे बंद लिफाफे हैं लेकिन किसी भी वक्त जो है ये धमाका होने जा रहा है समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में पहुंच चुकी है ये कहना है खुद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के इंतहाई इंतहाई काबिल एतम जराए का दूसरी जानब जो है वो खुद कराची में जो है कुरंगी के एस एस पी तोमान जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं लाए नजर कर दिए गए हमारे नुमाइंदे की खबर दुरुस्त साबित हुई थी तीन रोज़ कबल हमने ये खबर ब्रेक की थी कि कौन कौन से एस एस पी जो है खुडे लाइन लग रहे हैं जिसमें पहला नजला जो है वो तोहदुररहमान फिर गिरा जो कि ख़ुद आई जी गुलाम नबी मैमन के ही मर्जी के ख़िलाफ़ उनकी पोस्टिंग हुई थी तो आई जी को मौका मिल गया आई जी ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो है उन्हें कुंडे लाइन लगा दिया अब इतला ये मिली है कि खुद फर्रुख बशीर की सिफारिश पर जो है खुद अमजद हयात को जो है वो अब लगाया जा रहा है कोरंगी का एस एस पी हो सकता है कि उमेर है कोई उमेर सैद उमेर अली है क्या जो पहले वेस्ट के एस एस पी थे उनकी पोस्टिंग भी हो सकती है क्योंकि उनके ज़िया लंज़ार खड़े हैं वहाँ हो सकती है लेकिन कहा जा रहा है कि अमजद हयात ने जो है खुद होम मिनिस्टर के पी एस ओ जो है खुद अहमद चौधरी से भी जो है मामला तय कर दे दूसरी जानेब खुद तब्दील किए जाने वाले एस एस पी भी जो है अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए कहते हैं कि इस वक्त बागदौड़ कर रहे हैं एक इतला ये भी है कि मुमकिन है कि काशिफ अब्बासी को यहाँ तब्दील किया जाए और इनकी जगह किसी और को वहाँ पर उनकी पोस्टिंग कर दी जाए खुद जो है फिदा जावरी जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक बार फिर हमें मुतहरक दिखाई दे रहे हैं ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतम जराए का दूसरी जाने मुल्क में जो है वो एक वकला की जो तहरीक है उसके बारे में खुफिया एजेंसीों की एक खौफनाक रिपोर्ट जो है वो हुकूमत वक्त को भिजवा दी गई कि ये वो लावा है कि इस लावे को फटने से पहले अगर नहीं रोका गया इस बम को अगर डिफ्यूज़ नहीं किया गया तो फिर इस बम के धमाके के जद में आने से कोई भी खुद को नहीं बचा सकेगा बहुत ही बड़े बड़े नामवर किस्म के जो वकला है वो इस वक्त हमें जो है बहुत ही मुशतहल दिखाई दे रहे हैं ख़ास तौर तो पे चीफ जस्टिस के खिलाफ तो उनकी एक्सटेंशन के खिलाफ और आईनी तरमीमी जो बिल आ रहा है जिसको जो है वो अपने अदलिया के लिए जो है गला घोटने के मुतारद ख्याल करते हैं वो इसके लिए जो है वो अपनी बका की एक तरीके से जंग इसको करार देकर जो है वो एक ना रुकने वाली तहरीक की जो है वो शुरुआत करने का इरादा रखते हैं इस वक्त आप इसक्रीन पर देख रहे हैं बड़े आपको मुझे हमारे बच्चों को फौजी अदालतों के सामने पेश करने का मंसूबा है जहां खुद ही इल्जाम लगाने वाला कर्नल मेजर जज होगा हमारे सामने एक दीवार को खड़ा किया जा रहा है हमें कहा जा रहा है कि इस मुल्क में अपना कोई आईन रहेगा कानून रहेगा हर बोलने वाले को हर सच की आवाज बुलंद करने वाले को मातूब किया जाएगा हमें तारीख जेलों में डाला जाएगा हमारे ऊपर हमारे ऊपर पहरे होंगे तलवार और बंदूकों के हम बूटों के नीचे जिंदगी गुजारेंगे क्या ये आपको कबूल है मुझे ये कबूल नहीं है आपको आप हमारा साथ इसलिए दीजिए कि शराफत का ये तकाजा है मुल्क को बचाने का ये तकाजा है जोशीली किस्म की जो है उनकी तकरीरें हैं बड़े नामर किस्म के वकला है इनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है ये खालिदन जो है वो अपने आइन अपने कानून और अपने अदलिया की आज़ादी के लिए जो है इस वक्त सर पर कफ़न बांध कर जो है वो निकलते हुए हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं यही वजह है कि नवाज़ शरीफ जो लंदन जा रहे थे उनके लंदन का प्लान जो है वो मर करवा दिया गया है और उनको ये मशवरा दिया गया है कि अपनी साहबजादी की और अपने भाई की हुकूमत को अगर बरकरार रखना चाहते हो तो इस बम को आपको डिफ्यूज़ करना पड़ेगा वही पुराने हरबे इस्तेमाल करके जो है वो खुद वकला तहरीक के अंदर जो है वो आपने जो है वो तकसीम दर तकसीम की पॉलिसी को अख्तियार करना पड़ेगा ताकि वह किसी एक नुकते पर किसी एक पॉइंट पर मुतहद ना हो सके वरना इस बम से ख़ुद को कोई भी नहीं बचा सकेगा ये इस वक्त बहुत ही सूरत हाल खराब हो चुकी है पाकिस्तान की सियासी जो सिचुएशन वो हालात इस वक्त सही नहीं अगर आलमी दुनिया का देखा जाए तो इस वक्त जो है वो हमें जो है इसराइल जो है पसपाई अख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं दे रहे हैं खुद हजबुल्ला की जानब से उन पर ईरान की तरफ से उन पर बहुत ही भरपूर वार किया गया है भरपूर हमला किया गया है उनके चारों तबक रोशन हो चुके हैं और आलमी आलम इस्लाम में जो है वो इस वक्त खुशी की एक लहर दौड़ चुकी है कि वो अपनी लाशें उठाते हुए नजर आ रहे हैं खुद इसराइली फौजी खुद जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग इस वक्त रह रहे हैं मुसलमान उनमें इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ गई है कि ये इनको कोई तो है जो इनको आंखें दिखाने के काबिल और दुनिया का सुपर पावर जो है उनकी पुष्प पर इस वक्त खड़ा दिखाई दे रहा है ये जो इसराइल की इतनी ज़्यादा हिमायत अमरीका की तरफ से हो रही है ये जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही है इसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो डोनल्ड ट्रंप को मिलेगा क्योंकि मुसलमानों के ओर जो है वो इसराइल की मुखालफत में जो है वो इस वक्त चले जा रहे हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्योंकि जो कमला हारिस है जो है वो जो है खुद जो बाइडन की पार्टी से ताल्लुक़ रखती है और जो बैडन जो है वो इस वक्त जो है पूरी तरीके से जो है वो इसराइल की हिमायत करते हुए जो है मुसलमानों के जख्मों पर नमक चढ़कने का किरदार अदा करें तो मुसलमान और जो है यकीन जो है वह उन्हें नहीं जाएंगे वो उनकी मुखालफत में उनकी ज़िद में जो है नफरत की सूरत में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जोली में हमें गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का मतलब है कि पाकिस्तान की सियासत पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा ख़ास तौर से इमरान खान के मुस्तबिल का बहुत ज़्यादा इहसार जो है वो डोनल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनने पर मुनसर है अगर सदर बन जाते हैं तो फिर पूरा नक्शा ही पाकिस्तान की स्टब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत का तब्दील हो जाएगा इसका फहमो द्राक जो है सबसे ज़्यादा जो है आसिफ अली जरदारी को है सबसे ज़्यादा जो है नवाज़ शरीफ को यही वजह है कि नवाज़ शरीफ का दौरा जो है वो मुआर करवा दिया गया है ना हमारा आज का मिला जुला प्रोग्राम कैसा रहा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसी के साथ यह चाहता हूँ الله حافظ